रोटी उसी को मिलती है जिसको भूख होती है, जॉब उसी को मिलता है जिसको नीड होती है। फाइनेंस का ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फाइनेंस का ज्ञान और आज बताऊंगा मैं आपको कि RE जॉब क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जॉब एक्चुअली होता क्या है। देखिए, RE जॉब आपको हर कंपनी में स्टार्टिंग में आज बोलते हैं RE जॉब। इसको जो अपन पहले बोलते थे रिलेशन एग्जीक्यूटिव बोलते थे, कहीं पर आप उसको प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव भी बोलते थे और इसको आज भी कई प्रकार के नाम है, सेल्स एसोसिएट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये RE जॉब है। अभी क्या कर दिया है आदमी को, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मतलब आप कंपनी से जो आपके जो क्लाइंट रहेंगे उनसे रिलेशन बनाओ। ऐसा नहीं पहले आप फाइनेंस कर दिए फिर वो फाइनेंस करे ना करे वो हमारी मगजमारी नहीं है। अभी कैसा है, आप एक कस्टमर आपको फाइनेंस कर दिया तो दोबारा भी आपके पास फाइनेंस कराने आए और हो सके वो चार लोग को और बताए कि भाई इस कंपनी में जाओ, यहाँ पर फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, आप रिलेशन मेंटेन करके चलो, ये कंपनी ने बोल दिया। ठीक है, तो यही होता है RE जॉब का मतलब। ठीक है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी, इवन 16 मिल सकती है, 20 मिल सकती है, 22 मिल सकती है एज ए इंटरव्यू और आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर है। ठीक है, हर जगह RE पोस्ट में एक ही काम करना है, आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, आपको पैसे से पैसा बनाना है। ठीक है, फाइनेंस का मतलब ही वही होता है कि पैसे से पैसा बनाओ। ठीक है, वो कैसे करना है आपको, आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे, आपके पास होम लोन रहेगा, आपके पास व्हीकल रहेगा, आपके पास में ट्रैक्टर रहेगा, आपके पास कंज्यूमर लोन रहेगा, आपके पास मकान रहेगा, जमीन, एवरीथिंग में आप जहाँ जहाँ आपका क्राइटेरिया है उसमें आप लोगों को पैसा दो और उसका फाइल बनाओ कि भाई हम आपको दे रहे हैं पैसा, आपको क्या ज़रूरत है, ये लो पैसा, हमको भाई 2 लाख दिए हैं, हमको 2,20,000 रुपये इसका दे देना। और भी इकट्ठा मत देना, महीना महीना करके देते रहना, और देना जरूर, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, मतलब देना कंपनी का पैसा, ये है फिर RE जॉब का। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको फर्स्ट मंथ आपको देखो, आपको पहले फर्स्ट मंथ आपने ज्वाइन किया तो आपको किसी एक एग्जीक्यूटिव के साथ में आपको घुमाएगा, लेकिन इसी मंथ आपको टोटल काम सीख जाना है कि कितने IRR में करती है अपनी कंपनी, कितने का अपना इंटरेस्ट रेट है। 2 किस्त में बनता है, एक अप डाउन किस्त बनता है और एक फ्लैट किस्त बनता है। ठीक है, आपको सब ऐप दे दिया जाएगा, कितने साइन लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना सिविल में करते हैं, ये आपकी कंपनी जो हर कंपनी का अलग होता है। ठीक है, और डीलरशिप पॉइंट में क्या मार्केट है हमारा, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर ज़्यादा बिकता है, तो इस हिसाब से आप फर्स्ट मंथ आपको दूध भात रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट मंथ हर चीज़ सीख जाना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट मंथ सिर्फ घूमने बैठे जाए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का घूमे चले गए, आपको कुछ पता ही नहीं हुआ बाद में, फिर अगले मंथ आप फिर तो जब फील्ड पर जा रहे हो तो परेशान हो रहे हो, फिर उसको फ़ोन कर रहे हो, फिर आप कार नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखिए इसमें बातचीत ही मेन खेल होता है। गांव वाले से चलो आप बात कर लिए, लेकिन अच्छा कस्टमर मिल गया तो वो आपको ऐसा ऐसा इसमें बता वहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, वैसा है, उसी में आप घबरा जाओगे, डर के भाग के आ जाओगे, समझे, और केस आपका बिगड़ भी सकता है। तो एक साल मैंने इतने निपुण हो जाए, हो सके तो स्किल का क्लास स्टार्ट कर लो बात करने का। ठीक है, बात करने की भी जरूरत नहीं है, जिस दिन आप भाई आप काम सीख गए, आपको हर चीज़ आता है, आप हकले भी हो, आप नहीं भी बोल सकते हो तो भी बता दोगे, नहीं सर ये सर ये, वो बोलेगा क्या है इसमें तो 52,000 दिया है, आप मेरे को 58,000 दे रहे हो, वो अलग है, उसको बेकार है वो, ये सही है ऐसा, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंट हो ना, ना वो जो बोले ना इसको घुमा फिरा गया अपनी बात में, ये होता है स्किल। ठीक है, 10 टोक सर उसके यहाँ सर गाड़ी सीजिंग भी कर लेता है, उसके यहाँ ओडी भी मारता है, बोल देने का उसके यहाँ हमारे यहाँ ओडी नहीं है, हाँ आप यहाँ पर 4 किस्त नहीं पटाओगे तो आपको आपका गाड़ी झिक लेगा, हमारे यहाँ 5 नहीं पटाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, हम टाइम देते हैं कस्टमर को, प्लस आपका सर सेटलमेंट का आएगा तो समय भी देख लो, बोलने में क्या जाता है, सेटलमेंट में आप रहोगे ना रहोगे गारंटी क्या है। ठीक है, तो ये RE पोस्ट, इसमें आप बताता हूँ मैं आपको इसमें फ्यूचर क्या, देख एक RE ज्वाइनिंग करता है रिलेशन एग्जीक्यूटिव से, फिर बनता है सीनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, लेकिन अभी नहीं हो गया, अभी ज्वाइनिंग करिए ग्रेड वाइज, मतलब मान लेता हूँ चलो OP2 में आपने RE पोस्ट में ज्वाइन किया, फिर OP3 में जाएंगे, ठीक है, सीनियर हो जाएंगे, फिर OP4 में जाएंगे, ठीक है,
फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। फिर OP5 OP6 में आप BM बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, फिर आप रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, फिर रीजनल प्रोडक्ट एरिया मैनेजर बन सकते हैं। फिर ऐसा अगर आप बहुत बड़े हो गए तो आप सीधा फिर पहुंच जाओगे कहाँ, मुंबई पहुंच जाओगे, मद्रास पहुंच सकते हो, आप वहां काम कर सकते हो, मतलब जहां पर वो बैठते हैं कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, CEO बन सकते हो, तो बहुत है। फिर इसमें देखा जाए तो अगर आप कैरियर में घुस के काम किए तो वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ देना। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए और फील्ड पर रहे और आप 2-3 साल काम कर लेना, तो मार्केट ऐसा बन जाएगा कि आप अपने घर पर रह के 150-200 लाख रुपये महीना कमाओगे। तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, सब मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तनख्वाह आपके बन जाएगी 95 अच्छा पोस्ट रहे, सब मिला के आप 1-1.5 लाख रुपये मंथली आराम से कमा लोगे। और एक छोटे शहर में 1 लाख रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ कमाना मत, सेविंग भी करना। 1 लाख मंथली कमा रहे हो तो 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते जाओगे ना, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कब आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से फिर बिलियनियर, फिलियनियर क्या क्या बन जाओगे नहीं बोल सकता। आपका दोस्त हूँ, आपको अच्छे से बताता हूँ। और जॉब के लिए भी अगर नए, मतलब जॉब के लिए ग्रुप में अगले मैंने मंथ खोलने वाला हूँ, मुश्किल से 5-10 दिन और लगेगा, फिर ग्रुप ओपन हो जाएगा, मैं यहीं बता दूंगा। और जिनको भी मेरे को व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप मत करो, मेरा इंस्टाग्राम नीचे आईडी दिया हुआ है इसी चैनल पे, या मेरे को सर्च करना प्रतुल चौधरी बोल के, मैं इकलौता इंडिया में मिलूंगा, आप मेरे फोटो देख लेना, ये फोटो लगे रहेगा, आप अपन में करना, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मैं ईजिली आपको कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको करना है कॉल तो कॉल भी कर लेते हैं मेरे को, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया और शब्द खाए।